राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान मौसम सुहाना हो गया है। हल्की बारिश ने ही उमस भरी गर्मी से राहत दी है। मौसम के करवट लेने से दिल्ली NCR के लोगों ने राहत की सांस ली है। बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 10 सितंबर को कई जगहों पर हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। अक्षरधाम, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली और NCR के लोनी देहात, हिंडन AF स्टेशन, बहादुरगढ़, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर एवं आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की सी मध्यम तीव्रता की बारिश होती रहेगी। इसके अलावा हरियाणा के बल्लभगढ़, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, रोहतक, खरखोदा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टेन हेल, झज्जर, सोहना, पलवल, औरंगाबाद एवं UP के देवबंद, निजामाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, बिजनौर, हस्तिनापुर, बड़ौत, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद में अगले कुछ घंटों में बारिश होगी। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी, डीग, भरतपुर में ही बादल बरसने की उम्मीद है। IMD ने रविवार यानी आज 10 सितंबर को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश एवं बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल यानी 11 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद जताई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम पारा 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि 12 से 15 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान में आंशिक तौर पर बादल देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समेत देश के पूर्वी क्षेत्र में इन दिनों मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते कुछ राज्यों में जनता को गर्मी से निजात मिली है। कई इलाकों में हुई बारिश के कारण तापमान में भी हल्की गिरावट देखी गई। फिलहाल मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ही गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग लखनऊ के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से लेकर भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 48 घंटे में राज्य के ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आम जनजीवन को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 14 सितंबर तक एक चक्रवाती परिसंचरण मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा, जिसके चलते राज्य में एक बार फिर से मानसून को सक्रिय होता देखा जा सकेगा। नतीजतन सितंबर की दूसरी और तीसरे हफ्ते में अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके कारण 10 से 12 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।